आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे पूछा गया है इन टीएलसी द रिलेटिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट रिटार्डेशन फैक्टर, क्रोमैटोग्राम फैक्टर, एलुएंट फैक्टर एंड डिफरेंशियल फैक्टर। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टीएलसी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो टीएलसी क्या है? टीएलसी अगर हम देखेंगे, इट इज व्हाट? इट इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। इट इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ओके, क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ पे क्या होता है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, हमें टीएलसी प्लेट्स मिलते हैं। ओके, मार्केट में टीएलसी प्लेट्स मिलते हैं या फिर हम खुद भी बना सकते हैं। टीएलसी या फिर कोई भी क्रोमैटोग्राफी, जो मतलब टीएलसी में बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रोमैटोग्राफी में दो फेज होता है, एक होता है स्टेशनरी फेज। ओके, एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है, स्टेशनरी फेज या फिर हम कह सकते हैं जो टीएलसी प्लेट्स है वहां पे क्या होता है, वहां पे सिलिका होता है। ओके, वहां पे सिलिका होते हैं। और जो मोबाइल फेज होता है वो बेसिकली हम सॉल्वेंट्स को कहते हैं मोबाइल फेज। मोबाइल फेज यानी कि यहाँ पे स्टेशनरी फेज जो होगा ये मूव नहीं करते। ओके, ये चिपक के रहते हैं। टीएलसी प्लेट्स ऐसे दिखते हैं। ओके, ये ऐसे टीएलसी प्लेट्स होते हैं। तो टीएलसी प्लेट्स का जो टोटल पोर्शन है, ओके, ये जो टोटल पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन सिलिका होता है। ओके, ये टोटल पोर्शन होता है सिलिका। तो ये जो सिलिका होते हैं, ये सिलिका मूव नहीं करते, ये एक ही जगह पे रहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या होता है, हम डिफरेंट सॉल्वेंट चूज करते हैं। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, ओके, पोलर सॉल्वेंट हो सकते हैं, एंड मिक्सचर ऑफ नॉन पोलर प्लस पोलर। ओके, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। डिफरेंट हम सॉल्वेंट चूज करते हैं और ये सिलिका प्लेट को हम इस सॉल्वेंट के ऊपर से रन करवाते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक मतलब ऐसे एक चेंबर होता है। ओके, ऐसे एक चेंबर होता है, यहाँ पे हम ये सॉल्वेंट जो होता है, ये मिक्सचर, हमने जो भी मतलब हमें जो भी सॉल्वेंट चाहिए हम ऐसे सॉल्वेंट्स रख देते हैं और वहाँ पे हम ये टीएलसी प्लेट को रख देते हैं। तो ये सॉल्वेंट क्या होता है, ये सॉल्वेंट सिलिका को एब्जॉर्ब करके ऐसे रन होता है ऊपर। ओके, ऐसे रन होता है, ये होता है बेसिकली टीएलसी। तो टीएलसी में एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज होता है। तो टीएलसी का हम यूज कैसे करते हैं, टीएलसी का यूज हम कैसे करते हैं, हमें सपोज हमारे पास दो कंपाउंड है। ओके, हमारे पास सपोज दो या उससे ज्यादा, तो मिनिमम सपोज हमारे पास दो कंपाउंड है, एक है ए दूसरा है बी। तो ये ए और बी जो है ये सिलिका के साथ, मतलब क्या होता है, जब हम ए और बी को क्या करते हैं, सिलिका के साथ बाइंड करवा देते हैं, यानी कि हम ए और बी का एक सोल्यूशन बनाते हैं। ओके, हम एक डायल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं ए एंड बी का, मतलब मॉडरेट कंसेंट्रेशन में हम ए का भी एक सोल्यूशन बनाते हैं और बी का भी एक सोल्यूशन बनाते हैं। ये सोल्यूशन जो बनाते हैं हम, मतलब ऐसे सॉल्वेंट में बनाते हैं जहाँ पे ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होगा एंड वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, तो हम अब क्या करेंगे, हम एक टीएलसी प्लेट लेंगे, हम यहाँ पे एक टीएलसी प्लेट लेंगे। ओके, इस प्लेट में हम सपोज यहाँ मतलब एक जगह हम एक प्लेन हम ऐसे मार्क कर लेंगे। सपोज हम यहाँ पे एक ऐसे प्लेन मार्क करें, यहाँ पे सपोज एक्स पॉइंट पे। ओके, एक्स पॉइंट पे हम ये प्लेन मार्क कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो ए का सोल्यूशन है थ्रू कैपिलरी ट्यूब, हम यहाँ पे बस एक ए का सोल्यूशन डॉट करेंगे और जो बी का सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे ऐसे बी का सोल्यूशन डॉट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो टीएलसी प्लेट है इसको ऐसे मतलब एक चेंबर पे रख देंगे। ओके, ये इसको हम एक चेंबर पे रख देंगे और चेंबर पे रख के हम जो सॉल्वेंट, हमारे मनपसंद जो मोबाइल फेज जो है, जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, वो जो सॉल्वेंट है वो हम थोड़ा सा मतलब टीएलसी प्लेट को बस सॉल्वेंट पे क्या कहते हैं हम इसको, टीएलसी प्लेट को बस सॉल्वेंट पे लगाना है। ओके, ये पॉइंट्स के नीचे तक, ये जो एक्स हमने मार्क किया है इसके नीचे तक हमें सॉल्वेंट को रखना है, ऐसे सॉल्वेंट को रखना है। अब ये क्या करेगा, जो सिलिका है ये सिलिका ये सॉल्वेंट का एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये सॉल्वेंट का एब्जॉर्ब करेगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सिलिका के थ्रू रन करेगा, जैसे हमने यहाँ पे समझा, ये सॉल्वेंट सिलिका के थ्रू रन करेगा। अब क्या होगा, ये ए एंड बी में डिफरेंट पोलरिटी है, राइट, ये दोनों डिफरेंट पोलरिटी है, शायद ये नॉन पोलर है। ओके, ए नॉन पोलर है एंड बी सपोज पोलर है, तो ये ए एंड बी डिफरेंट पोलरिटी पे होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे
सपोज नॉन पोलर सॉल्वेंट डाले हैं हम यहाँ पे, ओके, नॉन पोलर सॉल्वेंट डाले हैं हम यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जब मूव करेगा, जो ए जो कंपाउंड है ये भी मूव करेगा सॉल्वेंट के साथ, राइट? ये तो ए नॉन पोलर कंपाउंड है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा जल्दी, तो ये क्या होगा, ये भी सॉल्वेंट के साथ रन करना चाहेगा ऐसे, ओके। और जो बी है ये क्या है, ये एक पोलर कंपाउंड है, तो ये पोलर कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड के साथ डेफिनेटली उतना ज्यादा मतलब इसका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो ये बी क्या करेगा, ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, ये बी बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। अब ये जो सॉल्वेंट है, ओके, ये जो सॉल्वेंट है, सपोज ये सॉल्वेंट को हम ऐसे जो प्लेन है ये प्लेन तक हमने रन करवाया, ये सपोज वाई है, ओके, ये सॉल्वेंट जो है ये इस प्लेन तक रन हुआ, तो ये जो एक्स वाई डिस्टेंस है, ये जो एक्स वाई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम मतलब कहते हैं सॉल्वेंट मतलब फ्रंट, ओके, सॉल्वेंट ये जो वाई पॉइंट है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट, तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स वाई डिस्टेंस सॉल्वेंट ने रन कर लिया, लेकिन ए और बी क्या होगा, इतना मतलब सॉल्वेंट के तरह इतना ज्यादा तो रन नहीं करेगा, ये सिलिका के साथ बाइंड हो चुका है, राइट, तो उतना ज्यादा रन नहीं करेगा, तो ए सपोज यहाँ पे आके रुक गया, ओके, ये ए इतने तक रन किया एंड बी सपोज इतने तक रन किया, तो इस पॉइंट को भी हम देख लेते हैं, इस पॉइंट को सपोज हम कह रहे हैं, ये जो पॉइंट है इसको सपोज हम कह रहे हैं पी, ओके, और ये जो पॉइंट है इसको सपोज हम कह रहे हैं ओ, तो यहाँ पे जो टीएलसी में हम क्या करते हैं, ये जो एब्जॉर्प्शन है, ओके, ये जो एब्जॉर्प्शन है इसको हम थ्रू रिटर्डेशन फैक्टर संभालते हैं। रिटर्डेशन फैक्टर क्या होता है, हर एक कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होता है सिलिका के साथ एंड पोलर जो या फिर नॉन पोलर जो भी सॉल्वेंट होगा उसके साथ, तो रिटर्डेशन फैक्टर हम ये कहते हैं जितने तक मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूट, यानी कि जो कंपाउंड, सपोज यहाँ पे हमारा ए है, ओके, ए का अगर हम रिटर्डेशन फैक्टर निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए ने कितना डिस्टेंस क्रॉस किया, ये जो एक्सपी अमाउंट है ये ए ने क्रॉस किया है, राइट, तो डिस्टेंस कितना हुआ, ये एक्सपी, ये ए का डिस्टेंस है और सॉल्वेंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई हमने डिस्कस कर लिया, सो दिस इज द रिटर्डेशन फैक्टर ऑफ ये ऑफ ऑफ ए, ओके, ऑफ ए का रिटर्डेशन फैक्टर है ये, और इसके ऊपर डिपेंड करके हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन, हम ए का एब्जॉर्प्शन कैसे निकाल मतलब प्रेजेंट कैसे करेंगे, थ्रू दिस रिटर्डेशन फैक्टर। रिटर्डेशन फैक्टर ये होता है, इट इज अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। सिमिलरली अगर हम रिटर्डेशन फैक्टर ऑफ बी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी जो कि कितना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय बी है एक्स ओ, राइट, इतना ही डिस्टेंस कवर किया है बी ने, तो बी का डिस्टेंस कवर्ड है एक्स ओ डिवाइडेड बाय एक्स वाई, ये है बी का रिटर्डेशन फैक्टर, ओके, दिस इज द रिटर्डेशन फैक्टर ऑफ बी। तो ऐसे हम टीएलसी में रिप्रेजेंट करते हैं रिटर्डेशन फैक्टर के थ्रू, ओके, एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्प्शन होता है कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन हम रिटर्डेशन फैक्टर के थ्रू मतलब प्रेजेंट करते हैं, ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन वन विल बी द करेक्ट वन। और ये जो क्रोमैटोग्राम फैक्टर या फिर एलुएंट फैक्टर या डिफरेंशियल फैक्टर, ये टीएलसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कॉलम क्रोमैटोग्राफी या फिर दूसरे टाइप के जो क्रोमैटोग्राफी होता है वहां पे ये एप्लीकेबल है, ये टीएलसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके, टीएलसी के लिए जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिटर्डेशन फैक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।